गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर नंबर 4. वी हैव टू रीड राम मोहन राय 1717 to 1833. राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. राम मोहन राय जो बंगाल के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट. लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए. आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अधिक महान उपलब्धि के योग्य हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना चाहिए. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास हमें तबाह कर रहे हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग अध्यापकों की अपनी अलग अलग राय होती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन प्रत्येक धर्म का जो सार है वह एक ही होता है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वे आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के प्रति आकर्षित हुए. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए. ही क्रॉस्ड द सीज, उन्होंने समुद्रों को लांघा या पार किया. एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और यह देखने के लिए इंग्लैंड गए कि किस चीज़ ने इंग्लैंड को या ब्रिटिश को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया. देर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने उन्हें बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको एक शासक के रूप में स्वीकार करते हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम्हें हमें जो है प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू इट्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना होगा, तुम्हें एक शासक की जिम्मेदारियों को भी याद रखना होगा जो कि आपकी प्रजा के प्रति आपकी होनी चाहिए. ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर्स, उन्होंने समाचार पत्र शुरू किया. बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने समाचार पत्र शुरू किया, लेकिन संकालु ब्रिटिश ने 1823 में ही उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया. ऑपरेशन अत्याचार 1765 to 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश लोग भारतीयों का दमन करना जारी रखे. इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने 1818 में रेगुलेशन थर्ड पास किया. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट ट्रायल के ही जेल की सजा दी जा सकती थी. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, हर समय ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में काफ़ी बड़ी सैलरी लेते थे. एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और प्राइवेट बिजनेस में भी काफ़ी पैसा कमाते थे. बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. 1829 तक ब्रिटिश जो है 7 करोड़ के दाम तक के सामान को भारत में एक्सपोर्ट करता था. गवर्नर जनरल वेंटिक रिपोर्टेड
back home. The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. British लोग अपनी कंपनियों की लूट से उन्नति करने लगे जबकि भारतीय उद्योग धीरे धीरे ख़त्म होने लगा।